अब हम सभी ये जानते हैं कि चाहे तपस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे किसी भी प्रकार की भगवत भक्ति हो, जीव के कल्याण में जितने भी मार्ग आते हैं उन सभी में कुछ विकार जो होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी नाशक हैं, ये सभी नरक के द्वार होते हैं। साधना में, भगवान के भजन में, जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं उन सभी में काम, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों ही नरक के द्वार माने गए हैं। कोई कितना भी बुद्धिमान, विद्वान, तपस्वी क्यों ना हो, यदि वह काम, क्रोध, लोभ इनमें से किसी एक के भी वश में हो जाता है तो उसकी विद्या, बुद्धि और तप का कोई अर्थ नहीं होता। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि भ्रम से, मति भ्रम से, मोह भ्रम से जीव का सर्वनाश हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व बचा हो हिंदू धर्म में जो कि इन तीनों में से किसी भी विकार के अधीन कभी ना रहा हो। लेकिन कुछ महर्षि ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने विकारों से युद्ध करके, आजीवन पराक्रम करके और तपस्या करके इन विकारों पर विजय प्राप्त करी और उसके पश्चात ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त किए, साधनाओं में उच्च स्तर भी प्राप्त किया और अपना नाम हिंदू धर्म, सनातन धर्म या भारतवर्ष के अखंड इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। महर्षि विश्वामित्र जो कि जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी अंत में एक ब्रह्मर्षि के पद पर सम्मानित हुए, जिन्हें स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उपाधि, ब्राह्मणत्व की उपाधि दी और ब्रह्मा ऋषि श्री वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपने सभी प्रकार के विकारों पर, यहाँ तक कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी पर बारंबार विजय प्राप्त करी और दुनिया को दिखाया, इस संसार को दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने विकारों पर नियंत्रण पाकर अपने आप को निम्न से उच्चतर की श्रेणी में ला सकता है। आज का एपिसोड इन्हीं महर्षि के बारे में, इन्हीं ब्रह्म ऋषि के बारे में केंद्रित है। आज हम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की जीवन के बारे में जानेंगे। बहुत जल्दी से उनके बारे में जितना भी एक संक्षेप में हम कह सकते हैं उनके बारे में कहेंगे और उनसे हमें इस जीवन को जीने के लिए क्या-क्या सीखें प्राप्त होती हैं इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मैं गिरिराज सिंह दशा दशा चैनल के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखते हैं आज का एपिसोड। कुशिक वंश में महाराज गादी के पुत्र हुए हैं विश्वामित्र। पहले इन्हें वंश के नाम पर कौशिक या राजा कौशिक कहा जाता था। ये अति पराक्रमी और युद्धप्रिय राजा हुआ करते थे। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर एक बार यह शिकार खेलते हुए जा पहुंचे। सेना सहित थे, सेना भी विशाल थी, छोटी मोटी सेना नहीं थी। लेकिन इन्होंने महर्षि से ये कहा कि क्या हमें बैठने के लिए यथास्थान और खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रबंध हो जाएगा। तो इस पर ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ईश्वर प्रदत्त कई वरदान हैं जिनके माध्यम से मैं आप राजन आपका और आपकी सेना का आपके हिसाब से, राजसी ठाट बाट के हिसाब से मैं आपको यथोचित आदर सत्कार कर सकता हूँ। उनके खान पान का प्रबंध भी हो सकता है।
विश्वामित्र ने उससे पहले तपस्या के प्रभाव को कभी नहीं जाना था। वो नहीं जानते थे कि ब्रह्म ऋषि या राजऋषि या किसी भी ऋषि की तपस्या किस प्रकार फलित हो सकती है, किस प्रकार से ये जनता की भलाई या सर्व लोगों के जन कल्याण के लिए प्रयुक्त की जा सकती थी। पहली बार उन्होंने चमत्कार को देखा। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी जो कि दिव्य शक्ति संपन्न थी। उनके पास देवताओं द्वारा प्रदान की गई एक कामधेनु नाम की गाय थी। कामधेनु गाय दिव्य शक्ति संपन्न थी। वो अपनी दिव्य शक्ति से किसी भी प्रकार के पदार्थ की अपरिमित संख्या प्रकट कर सकती थी और उनको जहाँ से प्रकट किया है वहाँ विलोप भी कर सकती थी। उसकी इस शक्ति से राजा विश्वामित्र और उनकी सेना का यथोचित संस्कार किया। उस गौ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र ने उसे हठपूर्वक ऋषि वशिष्ठ से लेना चाहा। जब महर्षि ने स्वेच्छा से उसे देना अस्वीकार कर दिया और उनसे यह कहा कि यह आपके किसी भी कार्य में को संपादित नहीं कर सकती है, यह गाय उन्हीं के पास रह सकती है जो तपस्वी हों, मनस्वी हों और जिनको यह देवता स्वयं ही अपने मन से यह गाय प्रदान करेंगे। लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना और जब वो बलात् उसको ले जाने की कोशिश करने लगे तो वशिष्ठ जी की अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर में से लाखों सैनिक प्रकट करके एक सेना प्रकट करी, जिससे राजा विश्वामित्र की सेना तुरंत ही पराजित हो गई। अब राजा विश्वामित्र का दिमाग घूमा, उन्होंने देखा कि ये क्या है, मतलब मैं तो लेके आया, मैं तो बेकार में इतने लोगों को ढोता हूँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, यहाँ तो ये स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं ही विलोप हो जाते हैं सैनिक। अब जब उन्होंने तप के प्रभाव को देखा तो उन्होंने सोचा कि राजकाज तो व्यर्थ रहा, ऐसे राजकाज की क्या आवश्यकता, जब एक साधारण तपस्वी लाखों करोड़ों की सेनाएं प्रकट करके और उससे मेरी सेना को आराम से नष्ट गाजर मूली की तरह ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो फिर मेरे उसके जीवन का क्या फ़ायदा। तो ये तब तो विश्वामित्र तपस्या करके महर्षि वशिष्ठ को पराजित करने में लग गए। उग्र तपस्या करके जब शंकर जी से इन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किया और जब उन्होंने उस दिव्यास्त्रों को महर्षि वशिष्ठ के ऊपर चलाने की कोशिश की तो वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के जो ब्रह्मदंड उसमें वो विलीन हो गए। ब्रह्मदंड उनसे ज़्यादा भारी हुआ लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनका प्रत्युत्तर ना देते हुए केवल उनके शस्त्रों को अपने में विलीन कर लिया। महाराज विश्वामित्र ने यह देखकर ब्रह्मणत्व को प्राप्त करने की मन में ठान ली और ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने तपस्या को और उग्र करके ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा को ग्रहण कर लिया। अब हम सभी ये जानते हैं कि चाहे तपस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे किसी भी प्रकार की भगवत भक्ति हो, जीव के कल्याण में जितने भी मार्ग आते हैं उन सभी में कुछ विकार जो होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी नाशक हैं, ये सभी नरक के द्वार होते हैं। आप इससे कभी भी किसी भी कीमत पर बचने की चेष्टा चाहे जितनी करें, अंत जब तक आप उनका सामना करके इनको नष्ट नहीं करते हैं या इनमें से किसी एक के में भी बस में हो जाते हैं तो आपकी विद्या का, बुद्धि का, तप का कोई अर्थ नहीं होता, सभी कुछ नष्ट हो जाता है और आपका जो मति होती है वो भ्रम में पड़ जाती है। विश्वामित्र ने अति भयानक तप किया लेकिन इस अति भयानक तप की वजह से उन्होंने कई बार अपने काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में अब बड़े कष्ट से उपार्जित जो ये तपस्या था उसका नाश कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने कई बार उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए विभिन्न अप्सराओं को भेजा। एक बार इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका अप्सरा ने इनको मोहित करके इनके तप को भंग कर दिया। दूसरी बार एक त्रिशंकु नाम का जो राजा था जो कि ऋषि वशिष्ठ का श्राप प्राप्त करके भी वो उसका शरीर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर रहा था, तब किसी ने उन्हें समझाया कि आप
ऋषि वशिष्ठ के पास ना जाकर ऋषि विश्वामित्र जो कि उनके उग्र शत्रु माने जाते हैं उनके पास जाइए, वो अगर आप उनको थोड़ा सा प्रेरित करेंगे तो वो आपको सशरीर स्वर्ग भेजने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जब महाराज त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुँचे और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के इस श्राप के बारे में बताया तो विश्वामित्र ने कहा कि क्यों नहीं, मैं पहुँचाऊँगा आपको सशरीर स्वर्ग अगर वशिष्ठ नहीं पहुँचा सकता। कि उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसके आयोजन में सारे ऋषि आए लेकिन वशिष्ठ ऋषि और उनके पुत्रों में से कोई भी नहीं आया। उन्होंने कई बार कोशिश की उनको बुलाने के लिए लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। तो उन्होंने रोष में आकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी 100 पुत्रों को एक फरसे से मार दिया और अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज दिया। लेकिन जब देवताओं ने यह देखा कि कोई मानो सशरीर स्वर्ग आ रहा है तो उन्होंने अपने देव बल से उस राजा त्रिशंकु को मृत्युलोक की तरफ भेजने की चेष्टा करने लगी। लेकिन तपोबल से वो ऊपर जाना चाह रहे थे और वो देवताओं के देव बल से वो नीचे, तो उसको उन्होंने दोनों के बल एक समान होने की वजह से राजा त्रिशंकु बीच में लटक गए और वो उनकी व्यवस्था विश्वामित्र ने कहा कि अगर हम आप मैं नीचे लेके नहीं आऊँगा इससे मेरा मान भंग होता है, मैं आपके लिए अलग से ही एक पृथ्वी और अलग से ही आपके लिए ब्रह्मांड की रचना कर देता हूँ। इस प्रकार कई बार तप के नाश है भी ये विश्वामित्र कभी निराश नहीं हुए। तपस्या के वो प्रभाव से इतने समर्थ हो गए कि वो दूसरी सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने अनेक नवीन प्राणी जो कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं थे बनाए। भगवान ब्रह्मा ने उनको इस सृष्टि कार्य करने के लिए रोका और उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें ब्रह्मणत्व प्रदान किया। उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने और उनको समझाने के बाद और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें क्षमा करने के उपरांत कि इतने घृणित कार्य को जबकि उन्होंने उनके पुत्रों का नाश कर दिया था क्षमा प्रदान करी, तो विश्वामित्र का मन बदल गया और उन्होंने अपने अंदर रोष को ख़त्म करके अपने अंदर काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार को ख़त्म करके अपने अंदर ब्रह्मणत्व को साध लिया। वशिष्ठ जी ने उन्हें तदुपरांत ब्रह्म ऋषि मान लिया। काम क्रोध लोभ के कारण अनेक बार विघ्न पड़ने के कारण विश्वामित्र ने इन तीनों विकारों की जो शक्ति थी उनको पहचान लिया था। उन्होंने भगवान या भगवत भक्ति का आश्रय लेकर इन तीनों को सर्वथा के लिए छोड़ दिया। उनके आश्रम में प्रत्येक पर्व के समय जब भी वो कोई यज्ञ आदि करते थे राजा रावण के अनुचर उनके मामा मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और हड्डी रक्त मांस मज्जा मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करके उनके यज्ञ को दूषित कर दिया करते थे। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों के उपद्रव से यज्ञ नहीं कर पाते थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वयं क्यों नहीं रोका, वो ब्रह्म ऋषि के पद पर सुशोभित हो चुके थे, वो अकारण किसी क्षत्रिय के कर्म को नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यहाँ बुलाया और इसके पश्चात उन्होंने उनके माध्यम से दोनों राक्षसों का संहार कराया। समर्थ होने पर भी क्रोध को उन्होंने अपने वश में रखा, लोग को तो उन्होंने आने नहीं दिया। जब उन्हें पता लगा कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में राम के नाम से अवतार ले रखा है तब ये अयोध्या गए और वहाँ से श्री राम लक्ष्मण को ले आए। जब श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया तब इनको श्री राम के परात्पर स्वरूप का पूर्ण निश्चय हो गया। उन्होंने उनको अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र तथा विद्याएँ प्रदान करी और इन दोनों भाइयों को युद्ध के लिए सुसज्जित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने ही श्री राम लक्ष्मण को राजा जनक के यहाँ मैथिली पहुँचाया और इन्हीं की प्रेरणा से शिवधनुष को भंग कराया और श्री जनक कुमारी सीता जी का श्री रामचंद्र ने पाणिग्रहण संस्कार किया। महर्षि दशरथ जब जनकपुर से बारात विदा करके लौटे तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ अयोध्या आ गए। वहाँ पर्याप्त समय तक उन्होंने महाराज दशरथ
से सत्कृत और पूजित होकर तदुपरांत अपने आश्रम पर ही लौट गए। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री राम से मिलने और भरत के साथ गए, तब उन विश्वामित्र जी भी उनके साथ वहाँ पधारे। जनक जी के साथ भी महर्षि लौटे भी। महर्षि विश्वामित्र का पूरा जीवन ही तप एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। वे वेद माता गायत्री के दृष्टा भी हैं। ये उन 24 ऋषियों में से एक हैं जिन्होंने वेद माता गायत्री को, उनके स्वरूप को और उनके मंत्र के बीच शक्ति को पहचाना। इनके द्वारा लिखे गए कई अनेक धर्म ग्रंथ हैं जो कि हिंदू धर्म के मूलभूत ग्रंथों में से एक हैं। ऐसे थे महाराज विश्वामित्र, ऐसे थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के शुरू से अंत तक के जीवन सफर को एक संक्षेप में कहने से हम सबको पता चलता है कि व्यक्ति विशेष का जन्म चाहे जिस जाति में, चाहे जिस देश में, चाहे जिस जगह हुआ हो, उससे उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा तय नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने तप की कार्यप्रणाली से अपने अंदर वो शक्ति को पैदा कर सकता है। अपने लगन से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से वो अपने किसी भी प्रकार की जो विकार हैं या अपने किसी भी प्रकार के जो भी आपके अंदर परेशानियां हैं या कठिनाइयां हैं या जिस भी प्रकार के आपको इच्छाएं चाहिए, जिस भी प्रकार की आप सदिच्छा करते हैं, इच्छाओं का मतलब ऐसा नहीं सदिच्छा करते हैं, वो सभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र जी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और हम आप उनको, उनकी शिक्षाओं को श्री रामचंद्र जी के जीवन से जोड़ते हैं तो उनसे आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़बरदस्त रूप से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में नए और रोचक जीवन चरित्रों के साथ वेद और पुराणों की अनेकों कहानियाँ और उनके उपदेशों का एक संक्षेप में संग्रह किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है और अपने शब्दों में हम अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को जो देखते हैं, सनातन धर्म के माध्यम से हमें क्या शिक्षाएं मिली हैं, उन शिक्षाओं को एक बार आज के नज़रिए से हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को नए प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, ऐसे अप्राकृतिक विपदा के समय हम अपने आप को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप के जीवन को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं और आगे चलकर अपने आप को कैसे सबसे आगे रख सकते हैं दशा दिशा में, मैं इन्हीं सभी के साथ आपसे सदैव मिलता रहूँगा। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के बारे में इतना ही। आगे के एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वास्थ्य।